हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो बनी फिल्म थी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। जी हाँ, इसका अब 16 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है और ये फिल्म इस साल की अभी तक चौथी फिल्म बन चुकी है हाईएस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, और जिस हिसाब से जा रही है वो इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म बन जाएगी सुल्तान के बाद। यानी कि एमएस धोनी जो बाकी दोनों फिल्में हैं एयरलिफ्ट और रुस्तम का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है अभी तक का वो तोड़ देगी करीबन करीबन तीसरे हफ्ते के एंड तक। और उसके अलावा इसके जो और रिकॉर्ड्स है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसका कलेक्शन आया है 16वें दिन का, यानी कि सैटरडे का, थर्ड सैटरडे का, वो आया है करीबन करीबन 2 करोड़। और इसके साथ ही फिल्म का जो ओवरऑल कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 124.99 करोड़, यानी कि करीबन करीबन 125 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए हैं। अगर 2 करोड़ और ज्यादा कमाती है फिल्म तो आराम से रुस्तम का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और 2 करोड़ अगर कमाती है यानी कि 4 करोड़ अगर फिल्म और कमाती है यहां से, तो ये फिल्म जो 129 करोड़ का रिकॉर्ड है एयरलिफ्ट का वो तोड़ देगी। और उसके बाद ये दूसरी बड़ी फिल्म बन जाएगी इस साल की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिकॉर्ड जैसे कि मुश्किल है, क्योंकि अभी तीसरे वीक में ही फिल्म चल रही है और आराम से ये फिल्म तोड़ देगी रिकॉर्ड, क्योंकि इसके आगे कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इस हफ्ते भी साथ उच्चक के और कुछ छोटी मोटी फिल्में रिलीज हुई है, फुद्दू जैसी फिल्म रिलीज हुई है, तो कुछ ज्यादा बड़ा कलेक्शन कर नहीं रही है। और सेकेंड हफ्ते भी आपको बताया था मिर्जिया, MSG 3, इस तरह की मूवी रिलीज हुई थी, तू तक तूतिया, तो उसने भी कुछ ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं दिया था एमएस धोनी की मूवी को, तो इसीलिए ये फिल्म एक अच्छा बिजनेस कर रही है और करीबन करीबन 125 करोड़ अब पहले 16 दिनों में कमा चुकी है, और बहुत ही जल्दी ये 150 करोड़ के पार भी पहुंच जाएगी। और क्योंकि इसका मतलब तीसरा और चौथा वीक तो अभी बाकी है, क्योंकि अभी तीसरे वीक में फिल्म चल रही है, तो इस साल की ये दूसरी बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन जाएगी। और आई थिंक कोई और बड़ी मूवी नहीं है जो इस फिल्म का रिकॉर्ड इतनी जल्दी तोड़ सके। आई थिंक शिवाय जरूर तोड़ सकती है, ऐ दिल है मुश्किल के पास भी काफी ज्यादा चांसेस है, बट स्टिल देखते हैं किस तरह का कलेक्शन सामने आता है उन सब फिल्मों का। बट फिलहाल एमएस धोनी की फिल्म काफी अच्छी चल रही है और 125 करोड़ के साथ मेकर्स बहुत खुश होंगे, सुशांत खुश होंगे, दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी, अनुपम खेरी, जो कास्ट है ये सब बहुत खुश होगा, और सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो महेंद्र सिंह धोनी है। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।